हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वी विल स्टडी द फ्लैट बोन, नेम इज स्कैपुला। सबसे पहले हम स्कैपुला की बात करते हैं, तो ये एक थिन बोन का टाइप है। दिखने में ये कैसी होती है, फ्लैट होती है, तो आपको दिख रहा होगा ये फ्लैट बोन है। अब हम बात करते हैं इसके जनरल फीचर्स की, और आज की वीडियो में हम इसके साइड डिटरमिनेशन कवर करेंगे। तो देखो, जनरल फीचर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल, ध्यान रखना जो स्कैपुला बोन होती है, स्कैपुला बोन के अंदर दो सरफेस होती है एंड बाकी सारी चीज़ें तीन तीन होती है। पहले याद करने का तरीका है, दो सरफेस कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है डोर्सल सरफेस और सेकंड है हमारी कोस्टल सरफेस। एंड जो कोस्टल जो हमारी डोर्सल सरफेस है, जो डोर्सल सरफेस ये हमारी ये वाली सरफेस है, एंड दिस वन इज़ कोस्टल सरफेस। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारी कोस्टल सरफेस है एंड ये हमारी डोर्सल सरफेस है। अगर हम बात करें इसके बॉर्डर्स की, इसके पास तीन बॉर्डर होते हैं, पहला है सुपीरियर बॉर्डर एंड सेकंड वन इज़ मीडियल बॉर्डर एंड थर्ड वन इज़ लैटरल बॉर्डर। वापस से बोलता हूँ, ये है हमारा सुपीरियर बॉर्डर, ये है मीडियल बॉर्डर एंड ये है हमारा लैटरल बॉर्डर। एंड नेक्स्ट इज़, इसके पास तीन एंगल होते हैं। फर्स्ट इज़ सुपीरियर एंगल, सेकंड इज़ इन्फीरियर एंगल एंड थर्ड वन इज़ लैटरल एंगल। लैटरल एंगल इज़ आल्सो नोन एज ग्लेनोइड कैविटी या ग्लेनोइड एंगल। एंड नेक्स्ट इज़, इसके पास तीन प्रोसेस होती है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है? फर्स्ट है ट्राइंगुलर स्पाइनस फोसा प्रोसेस एंड सेकंड इज़ एक्रोमियन प्रोसेस एंड थर्ड वन इज़ कोरेकोइड प्रोसेस। तो ट्राइंगुलर स्पाइनस फोसा हमारी ये है एंड एक्रोमियन प्रोसेस ये वाली है एंड कोरेकोइड प्रोसेस ये है जो ग्लेनोइड कैविटी या ग्लेनोइड एंगल या लैटरल एंगल के सुपीरियर साइड में है। ये होती है हमारी तीन प्रोसेस। दिस वन इज़ कोरेकोइड प्रोसेस एंड दिस वन इज़ एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस वन इज़ स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। बोन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इट इज़ ए थिन बोन प्लेस्ड पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक केज। अब बात आती है कि पोस्टीरियो लेटरल क्या होता है। तो पोस्टीरियो लेटरल ये होता है कि ये हमारी बॉडी की डोर्सल साइड आ गई एंड ये हमारी स्कैपुला बोन की डोर्सल साइड है। डोर्सल साइड इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर स्पाइनस प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस है, इस वजह से। और पोस्टीरियो लेटरल का मतलब ये है, जो बोन है वो हमारे बॉडी के पोस्टीरियर साइड में होगी और बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होगी। पोस्टीरियो लेटरल का मतलब ये है, या हमारी बॉडी के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगी एंड लेटरल साइड पोजिशन में होगी, वो होता है पोस्टीरियो लेटरली। अब हम बात करते हैं साइड डिटरमिनेशन की। स्कैपुला की साइड डिटरमिनेशन के लिए हमको तीन पॉइंट याद रखने होंगे कि ये बॉडी में किस पोजीशन में तरीके से प्लेस्ड होती है बॉडी में। तो फर्स्ट पॉइंट हमको याद करना है या पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि लेटरल एंगल बियर्स ए ग्लेनोइड कैविटी, यानी कि जो हमारा स्कैपुला का जो लेटरल एंगल होता है वो लेटरल एंगल लार्ज होगा एंड ग्लेनोइड कैविटी बियर करेगा। जो लेटरल एंगल होगा वो लार्ज दिख रहा है, इसके लेटरल एंगल थोड़ा लार्ज है और ये क्या कर रहा है, ग्लेनोइड कैविटी को कर रहा है। इट शुड बी लेटरली ओरिएंटेड, यानी कि जो ग्लेनोइड कैविटी या जो लेटरल एंगल है वो बॉडी के लेटरली साइड में होगा। मतलब अगर जैसे हमारी बॉडी है तो ये जो ग्लेनोइड एंगल या लेटरल एंगल है ये लेटरल होगा। इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो अभी हमको इसका पूरा साइड डिटरमिनेशन पता नहीं हुआ है, तो अभी हमें केवल फर्स्ट पॉइंट ही पता, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट ही कवर किया है, जो ग्लेनोइड एंगल है वो लेटरली होगा। तो अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, जो डोर्सल सरफेस है, जो डोर्सल सरफेस है वो कॉन्वेक्स होगी और डिवाइडेड होगी ट्रायंगुलर स्पाइन इनटू सुप्रा स्पाइनस एंड इन्फ्रा स्पाइनस फोसा।
तो देखो इसका मतलब ये है, जो डोर्सल सरफेस होगा, डोर्सल सरफेस डिवाइडेड होगी एक ट्रायंगुलर स्पाइनस के अंदर, एंड दिस इज़ अ ट्रायंगुलर स्पाइनस विच डिवाइडेड इनटू सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इन्फ्रा स्पाइनस फोसा। दिस इज़ आवर सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड दिस इज़ आवर इन्फ्रा स्पाइनस फोसा। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो डोर्सल सरफेस होती है ये भी दो सरफेस में डिवाइड होती है, हो जाती है। पहला है सुप्रा स्पाइनस एंड दूसरा है इन्फ्रा स्पाइनस। में जो इसकी डोर्सल सरफेस होगी वो डोर्सली ओरिएंटेड होगी, मतलब इस तरीके से होगी, मींस कि ये कोस्टल सरफेस है एंड ये हमारी डोर्सल सरफेस है। जो डोर्सल सरफेस है वो हमारी बॉडी के डोर्सल साइड में होगी, जो रिब केज के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होगी, रिब केज के ऊपर इस तरीके से प्लेस्ड होगी ये बोन। एंड अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं साइड डिटर्मिनेशन के। द थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर रन्स फ्रॉम अबव ग्लेनोइड कैविटी टू द इन्फीरियर एंगल बिलो। मीन्स इसका मतलब ये है, जो लेटरल बॉर्डर है स्कैपुला का, जो लेटरल बॉर्डर है वो थिक होगा, और मीडियल साइड में क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है डोर्सल सरफेस है वो डोर्सली ओरिएंटेड होगी, और कोस्टल सरफेस डोर्सल सरफेस की तरफ नहीं आनी चाहिए, यानी कि कोस्टल सरफेस है वो बॉडी के डोर्सल साइड में नहीं आनी चाहिए, कोस्टल सरफेस है वो बॉडी के कोस्टल साइड में होगी। मींस जिस साइड में हमारे रिब केज है उस साइड में हमारा कोस्टल सरफेस होगा, एंड हमारे जो डोर्सल सरफेस है वो बॉडी के डोर्सली ओरिएंटेड होगी। तो इसलिए हमने डोर्सल सरफेस को डोर्सली ओरिएंटेड कर दिया, मींस डोर्सल सरफेस को हमने इस तरीके से कर दिया बॉडी पर। जो ये स्केपुला है ये बॉडी के डोर्सल साइड में प्लेस्ड होगी, मतलब ग्लेनोइड कैविटी या जो लेटरल एंगल है हमारा वो बॉडी के लेटरली ओरिएंटेड होगा एंड डोर्सली ओरिएंटेड होगा, एंड जो ट्रायंगुलर स्पाइनस प्रोसेस है वो भी बॉडी के डोर्सली ओरिएंटेड होगी, एंड जो डोर्सल सरफेस है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रखी है, एक तो सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इन्फ्रा स्पाइनस फोसा, एंड दिस इज़ आवर मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज़ आवर लेटरल बॉर्डर, एंड ये हो गया हमारा इन्फीरियर एंगल एंड ये हो गया हमारा सुपीरियर एंगल एंड सुपीरियर बॉर्डर। ये हो गई हमारी एक्रोमियन प्रोसेस, एंड जो आपको ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये हो गया हमारा कोरेकोइड प्रोसेस, एंड ये लार्ज जो कॉइन लाइक शेप में है, जो थिकेस्ट लार्ज एरिया है, ये हमारा ग्लेनोइड कैविटी या इसको हम लेटरल एंगल भी बोलते हैं। इस तरीके से ये हमारी बोन राइट साइड की हो गई। एक बार हम इसको वापस से पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा, जो लेटरल एंगल है वो थोड़ा बड़ा होगा, लार्ज होगा एंड कॉइन शेप में होगा, उसके पास ग्लेनोइड कैविटी होगी जो कि डोर्सली या मींस की जो ग्लेनोइड कैविटी है या लेटरल एंगल है वो लेटरली ओरिएंटेड होगा, यानी कि बॉडी के लेटरल साइड में ओरिएंटेड होगा। सेकंड पॉइंट इसमें हमने पढ़ा था, जो डोर्सल सरफेस है वो डोर्सली ओरिएंटेड होगी, जो कि डिवाइडेड होगी सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इन्फ्रा स्पाइनस फोसा, ये हमने पढ़ लिया था। एंड तीसरी चीज़ मीन्स जो तीसरा पॉइंट है साइड डिटर्मिनेशन का, वो हमने पढ़ी थी। इसके अंदर हमने जो थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर है वो लेटरली ओरिएंटेड होगा एंड इट्स अबव ग्लेनोइड कैविटी एंड बिलो इन्फीरियर एंगल। ठीक है, समझ आ गई बात।
तो अब हमारे ये बोन होगी वो राइट साइड की होगी, मीन्स डोर्सली ओरिएंटेड, डोर्सल सरफेस में होगी। जो लेटरल एंगल है वो लेटरल एंगल के ऊपर हमारा ग्लेनोइड कैविटी या लेटरल एंगल होगा, एंड इन्फीरियर एंगल और ग्लेनोइड कैविटी के बीच में हमारा थिक और शार्प बॉर्डर होगा, वो है हमारा लेटरल बॉर्डर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।